स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंट्स मैराथन चैप्टर कंसाइनमेंट राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोग कंसाइनमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले या रिकॉल करने से पहले एक बार इसका फ्रेमवर्क पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के अंदर में दो पार्टीज होती है, एक का नाम होता है कंसाइनर, दूसरी का नाम होता है कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनर को अपना सामान भेजता है जिसको कंसाइनी बेचता है और इसके बदले में कंसाइनी अपना कमीशन चार्ज करता है। अच्छा, जो कंसाइनर सामान कंसाइनी को भेजता है वो रिस्क रिवॉर्ड सारी चीज़ें कंसाइनर के पास होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सामान का मालिक है वो कंसाइनर है, जो भी सामान पर खर्चा करना है वो कंसाइनर को ही करना है, कंसाइनी सामान को बेचेगा। इनफैक्ट बेचने पर अगर कोई बैड डेट भी होता है वो भी कंसाइनर ही बियर करता है आमतौर पर राइट। तो बेसिकली देखिए इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया है कंसाइनी को, कंसाइनी एट द एंड ऑफ अ पीरियड, रोज रोज नहीं, एट द एंड ऑफ अ पीरियड एक डिटेल भेजेगा अकाउंट सेल की, जिसके अंदर में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर में होगा डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, फिर कमीशन अर्नड, जो कमीशन अर्न किया उसने, फिर अनसोल्ड इन्वेंट्री लेफ्ट विद कंसाइनी, क्या सामान बचा रह गया कंसाइनी के पास में, फिर एडवांस पेमेंट अगर सिक्योरिटी कुछ दिया होगा तो, और बैलेंस ड्यू और रेमिटेड। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर में हम यहाँ पर अगर आ जाए हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज पर राइट। बट अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बात पर फोकस करें, एक बात को ध्यान से रखें, क्या कि आपको जब अकाउंटिंग एंट्रीज पूछेगा तो कंसाइनर का भी बोल सकता है और कंसाइनी का भी बोल सकता है, मगर नॉर्मली आपको कौन सी एंट्री बोलता है, कंसाइनर का। कंसाइनी की आपको अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं बोलता है, किसकी एंट्री बोलता है आपको, कंसाइनर का, कंसाइनी की अकाउंटिंग एंट्रीज आपको नहीं बोलता है राइट। अभी कंसाइनर जिसने आपको गुड्स को सेंड किया है, जिसने आपको गुड्स सेंड किया है, हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं राइट। तो कंसाइनर जिसने गुड्स को सेंड किया है कंसाइनी को राइट, हम उसके लिए एंट्री बनाएंगे। अब उसके लिए एक एंट्री भी इनफैक्ट सीखने से पहले एक और गोल्डन रूल समझो कि कंसाइनर के बुक्स में एक नॉमिनल अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, जो नॉमिनल अकाउंट का नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या नाम होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आप कब डेबिट और क्रेडिट करोगे, कोई खर्चा होगा कंसाइनर का होगा डेबिट करोगे, कोई भी फायदा होगा कंसाइनर का होगा तो फिर उसके लिए उसको क्रिएट करोगे, और एक और खर्चा होता है कंसाइनी, जिसको कंसाइनर ने सामान भेजा है, बेचा नहीं है, भेजा है ठीक है। तो अब इसके अंदर में अलग अलग हमारे ट्रांजेक्शन से इनको हम लोग समझते हुए चलते हैं। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है व्हेन गुड्स आर कंसाइंड और डिस्पैच्ड राइट, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है, भेजा है राइट। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो एक तरीके से कंसाइनर के लिए खर्चा है, इसके लिए डेबिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट राइट। अभी जब कंसाइनर कुछ भी खर्चा इनकर करेगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर कोई भी खर्चा इनकर करेगा राइट, सामान भेजने में इंश्योरेंस गार्ड फ्रेट का कोई भी खर्चा कंसाइनर के एंड कर हुआ, उसके लिए भी कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा कैश अकाउंट को, कौन से अकाउंट को, क्यों कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि कंसाइनर के पॉकेट से पैसा कैश में निकल गया, तो कंसाइनर डेबिट टू कैश, क्या एंट्री हो जाए, कंसाइनर डेबिट टू कैश राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक ठीक है तो फिर आगे बात करें। फिर जब एडवांस रिसीव हुआ किससे, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है, तो अगर पैसा रिसीव हुआ तो ये कोई इनकम नहीं है अपने लिए, तो एंट्री होगी यहाँ पर क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट राइट। फिर आप देखो यहाँ पर जो अगली इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक का तो काम हो गया, अब जो अगली इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो तब आएगी जब अपने को अकाउंट सेल रिसीव हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, अकाउंट सेल रिसीव हो जाएगा। अकाउंट सेल क्या है, मैंने आपको बताया कि अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है जिसमें गुड्स की डिटेल्स
क्या उसने सामान बेचा, कितना सामान उसके पास में पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों की डिटेल्स होती है। तो अकाउंट सेल्स जब कंसाइनर को कंसाइनी से मिलेगा तो अगली एंट्री तब पास होगी। तो अब ध्यान सुनिएगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट सेल्स, तो अब देखिए क्या क्या चीज़ों की डिटेल्स भेजेगा। पहले वो भेजेगा सेल्स प्रोसीड्स की, ये सेल्स किसकी है, कंसाइनर की। तो कंसाइनर की सेल्स से इसलिए आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट कर दोगे क्योंकि इनकम है, सेल्स को क्रिएट नहीं करोगे, किसको क्रिएट करोगे। और अब ये पैसा वो किससे लेगा, डेटर से नहीं लेगा, किससे लेगा, कंसाइनी से। वेरी गुड, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, राइट। फिर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अब कोई भी खर्चा अगर कंसाइनी ने इनकर किया तो वो खर्चा भी किसका है, कंसाइनी भले ही अपनी पॉकेट से क्यों ना दे दे, खर्चा किसका है, कंसाइनर का। तो कंसाइनर का खर्चा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, समझ रहे कि नहीं। मगर ये पैसा हमने क्या अपनी पॉकेट से दिया है, तो फिर किसको क्रिएट करेंगे, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बात समझ में आ रहा कि नहीं, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये हो जाएगा फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। फिर आगे क्या होता है, कैश और बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम कंसाइनी एज सेटलमेंट, ये फाइनल सेटलमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं, इसको भी होल्ड करते हैं। अगर कोई बैड डेब्ट हुआ, क्या हुआ, बैड डेब्ट, तो मैंने बताया था बैड डेब्ट नॉर्मली कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। बैड डेब्ट के लिए नॉर्मली कौन बियर करता है, हु इज लायबल टू बियर फॉर द बैड डेब्ट, कंसाइनर इज लायबल फॉर बियर टू बियर फॉर द बैड डेब्ट्स नॉर्मली। बट देर इज अ स्पेशल कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं डिलिक्रेडिट कमीशन, आई विल कम टू दैट लेटर ऑन दिस पार्ट ऑफ रिवीजन, राइट। तो बेसिकली बैड डेब्ट्स के लिए कौन बियर करेगा, बैड डेब्ट्स के लिए हमारा बियर करेगा कंसाइनर, हु विल बियर फॉर द बैड डेब्ट्स, कंसाइनर विल बियर फॉर द बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हुआ, तो अब बैड डेब्ट्स होगा, तो अभी समझिए ध्यान से क्या, कंसाइनर के लिए तो खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें डेल क्रेडिटर, अच्छा डेल क्रेडिटर कमीशन हम छोड़ देते हैं, कभी कभी कंसाइनी खुद के पर्सनल यूज के लिए भी गुड्स ले लेता है, फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी, ये क्या करोगे इस केस में। तो गुड्स अगर कोई कंसाइनी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर ले लेता है तो फिर वो एक तरीके से सेल के तरीके से माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मोटा मोटी तो फिर कंसाइनर और कंसाइनी में ही बात झूलती रहती है। फॉर अनसोल्ड स्टॉक्स, इसको भी बाद में भी करते हैं, इसको भी अभी होल्ड करता हूँ। अच्छा, फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, जो कमीशन पे करना है कंसाइनर को कंसाइनी को, उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, कमीशन पे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब काम कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला करने के लिए, मगर कंसाइनी क्यों कर रहा है, कमीशन के लिए कर रहा है ना। तो कंसाइनर जो कंसाइनी को कमीशन दे रहा है उसके लिए कंसाइनर अपने पास में क्या एंट्री पास करेगा, तो ये कंसाइनर के लिए खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, राइट। फिर आगे सुनिएगा स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है, अभी कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनर जो इन्वेंट्री कंसाइनी के पास में बच गया, क्योंकि जरूरी कि उसने मान लो 100 यूनिट बेचा, तो 100 यूनिट कंसाइनी ने बेच दिया होगा, राइट। कुछ यूनिट्स उसमें से क्या हो सकता है, बच सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं बेटा, अभी स्टॉक में बचा हुआ। मान लो उसने 100 यूनिट्स भेजा है जिसमें से 90 यूनिट्स बिक गया, 10 यूनिट्स बचा हुआ है, तो ये 10 यूनिट्स क्या हो जाएगा, स्टॉक में आपका 10 यूनिट्स दिखाई देगा, राइट। स्टॉक में आपका 10 यूनिट्स दिखाई देगा, ये 10 यूनिट्स किसका है, कंसाइनर का है। समझ में आ रखना, 10 यूनिट्स किसका है, कंसाइनर का है, राइट। तो अब इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, तो हम जो स्टॉक की एंट्री पास करते हैं वही एंट्री पास करेंगे यहां पर, क्या, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों, हम जब स्टॉक लेके एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक नॉर्मल अकाउंट, उसकी जगह पर हम क्या लेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या एंट्री पास हो जाएगी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट स्टॉक के लिए 10 यूनिट्स, क्या एंट्री पास हो जाएगी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो ठीक है, तो फिर आ गया बात करें। अच्छा, इतनी ही एंट्री पास नहीं होती है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए एट द एंड ऑफ द पीरियड कंसाइनर को बैलेंस पेमेंट करता है कंसाइनी, उसने स्टार्टिंग अपफ्रंट में कुछ पैसा दे दिया था, बैलेंस वो पेमेंट करेगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में कहता है जनरल एंट्री बनाओ तो आप लेजर बनाओगे, और कई कई बार आपको केवल लेजर ही मांगता है आपसे, नॉर्मली क्या करेगा लेजर ही मांगेगा। तो अगर आपसे लेजर मांगता है तब तो आप बैलेंसिंग फिगर करके उसको निकाल ही लोगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप कंसाइनी का एक अकाउंट बना दोगे, डेबिट और क्रेडिट, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर आप अकाउंट बना दोगे डेबिट और क्रेडिट। अच्छा यहाँ सुनो ध्यान से, आप जब अकाउंट जब बनाओगे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, तो आपका डेबिट में वो पैसा दिखाई देगा जो कि अपने को लेना है, क्रेडिट में वो पैसा दिखाई देगा जो कि अपने को देना है। ऑब्वियसली इसका डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड के मुकाबले में, तो यहाँ पर कुछ आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसने बैलेंस का पेमेंट कर दिया कंसाइनी ने, तब तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दोगे, बाई बैंक अकाउंट। अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि उसने बैलेंस का पेमेंट कर दिया, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिख करके छोड़ दोगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी फाइनल पेमेंट्स का बैलेंस का पेमेंट नहीं हुआ है बाकी। आप चाहो तो फिर इस अजम्पशन को लिख करके छोड़ भी सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कई कई बार एज्यूम कर लेता है, तो आप कुछ भी मान करके एज्यूम करके इसको छोड़ भी सकते हो। मेरे हिसाब से अगर फाइनल पेमेंट के बैलेंस के लिए नहीं बोला है तो आपको फाइनल पेमेंट बैलेंस का नहीं दिखाना चाहिए, उसको बैलेंस छोड़ देना चाहिए बाई बैलेंस कैरी डाउन करके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, यहाँ तक ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हुआ क्या, इसके अलावा दो एंट्री और होती है। एक एंट्री होती है हमारी दसवीं, हम यहाँ पर कंप्यूट करते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट पर हमको फायदा या नुकसान जो भी हम निकालेंगे, इसको भी आप कैसे निकालोगे, इसके लिए भी आप बनाओगे कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाओगे आप, क्रेडिट साइड में आपका फायदा, डेबिट साइड में आपका एक्सपेंसेस, राइट। तो ये भी समझिएगा, कभी कभी आपको केवल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को बोलेगा, जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को बोलेगा तो फिर अपने को एंट्रीज की जरूरत ही नहीं है। आपको फिर ये समझना चाहिए जब जब फायदा हो रहा है तो फिर क्रेडिट, और जब जब लॉसेस हो रहा है तो फिर डेबिट। अब आप इसको अगेन बैलेंस करोगे, अगर क्रेडिट ज़्यादा आएगा डेबिट कम आएगा, मतलब फायदा है, इस फायदे को आप ट्रांसफर कर दोगे पीएल में, तो अब एंट्री हो जाएगी क्या हमारी, इन केस ऑफ प्रॉफिट, क्या एंट्री हो जाती है, इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या एंट्री हो जाती है, नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। फिर है इन केस ऑफ लॉस, नुकसान के केस में क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट हम लोग ऐसे करेंगे, ये समझिए ध्यान से, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, फिर बोलिए आगे की बात करें। ठीक है, एक एंट्री और मैंने बताया करेंगे हम लोग, वो क्या होता है, जो स्टार्टिंग में एक एंट्री हम लोगों ने किया रहता है स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ डमी अकाउंट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करोगे, इस गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को जो आपने स्टार्टिंग में डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दोगे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ठीक है, तो फिर आगे बात करें।
आई होप ये एंट्री सबको क्लियर है, राइट? इसमें एक दो चीज़ें हमको और समझना चाहिए. क्या पूछो? इसमें हमको समझना चाहिए वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. हम लोग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? हम लोग लेते हैं जितनी भी हमारी इन्वेंट्री बची हुई है उसका कॉस्ट, प्लस हम लोग ऐड करते हैं एक्सपेंसेस incurred by consignor. समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, प्लस हम लोग यहां पर ऐड करते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी. ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, ठीक? अब जब ये हम लोग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो सपोज करो कि अगर मैंने 100 यूनिट परचेस किया है, 100 यूनिट अगर मैंने परचेस किया है, उसमें से एट द रेट रुपीज 50 ईच, उसमें से मेरे पास में अगर मान लो कि 15 यूनिट्स मेरे पास में अगर बचे हुए हैं, तो आप इसकी वैल्यू कैसे लोगे? 15 इंटू 50 कितना आ जाएगा? ये 750. समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आगे देखें तो फिर अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस को. अब इसमें देखिए क्वेश्चन तो बहुत तरीके से बन सकते हैं, मगर सपोज करें कि कंसाइनर ने अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया है और इंश्योरेंस का खर्चा दिया है, एट द मान लो पूरे 100 यूनिट पर उसने दिया है 1500 रुपया. कितना दिया? 1500. या 1500 को और कम करते हैं थोड़ा सा, इसको करते हैं 150 एक बार के लिए मान लेते हैं. तो कंसाइनर का खर्चा कितना आ जाएगा? ये खर्चा आ जाएगा 150 अपॉन 100 इंटू 15. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये खर्चा हम लोग ले लेंगे. जितना आ रहा है? 22.5 ना, एक बार मैं एग्जैक्टली ले रहा हूँ, ठीक है? फिर हम यहाँ पर कंसाइनी के भी एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, मगर कंसाइनी के कैसे खर्चों को ऐड करते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. व्हाट डू मीन बाय नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो कि बार बार ना हो, समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन. एक ही बार हो. हाँ, एक ही बार हो, बार बार वो खर्चा इनकर नहीं होगा. जैसे हम कहें इंश्योरेंस बार बार होता रहेगा, ये नहीं इंक्लूड होगा. रेंट इंक्लूड नहीं होगा. एडवर्टाइजमेंट ये इंक्लूड नहीं होगा. तो क्या होगा? कैरिएज, कार्टेज, ये सब चीज़ें इंक्लूड होगा. ये सब नॉन रिकरिंग है. आप बार बार तो ना सामान उतरवाओगे चढ़वाओगे, एक बार उतरवाए और बहुत होगा तो फिर एक बार बेचते समय यही होगा. कैरिएज इनवर्ड आउटवर्ड यही होगा, मगर बार बार तो ये सब खर्चे होंगे नहीं इनकर, राइट? तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऐसे खर्चे जो कि अपने बार बार इनकर नहीं होते. अभी मान लो कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 यूनिट भेजा था, मानते हैं एक बार के लिए कि उसमें से 5 यूनिट तो एबनॉर्मल लॉस हो गया. कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया? 5 यूनिट का लॉस हो गया. एबनॉर्मल हाल है कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कैसे उसको वैल्यू करते हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, मगर मान लेते हैं एक बार के लिए कि 5 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया.
ठीक है, तो कंसाइनी के पास में पहुंचे कितने यूनिट्स? 95. अभी नॉन रिकरिंग खर्चा मान लो हुआ है तुम्हारा, मान लेते हैं एक बार के लिए 190 रुपए का, कितना 190. अब ये 190 रुपए का खर्चा कितना यूनिट्स पर निकला है? अब इसको ऐड करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 190 अपॉन 95 इंटू 15 30. अब ये आपका टोटल ऐड हो जाएगा. समझ में आ रहा कि नहीं? यही क्या हो गया मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका स्टूडेंट्स, ये अपने को बहुत से क्वेश्चन में फंसाता भी है, और यही एक वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट आपको मार्क करना है. बाकी तो सब कुछ एंट्रीज पर ही बेस्ड है, राइट. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपसे आपको लॉसेस के बारे में पता होना चाहिए. तो दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल लॉस और एक होता है आपका एबनॉर्मल लॉस. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होता है लॉस? दो, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस. बस समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो कि अनअवॉइडेबल होता है, अनअवॉइडेबल. और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? अवॉइडेबल, मतलब जो कि हमारी गलती से होता है वो एबनॉर्मल लॉस हुआ. और नॉर्मल लॉस क्या है? वो जो कि हमारी गलती नहीं होती, जो कि ऑटोमेटिकली होना ही होना है. उस प्रोडक्ट के साथ में एसोसिएटी उस लॉस को कर सकते हो कि ये तो लॉस होगा ही होगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहलाता है हमारा नॉर्मल लॉस. अब ये नॉर्मल लॉस को देखिए हम लोग कैसे करके खा पाते हैं स्टूडेंट्स. नॉर्मल लॉस को आप क्या करते हो, इसको आप जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो ऑफ ईच यूनिट जब आप कंप्यूट करते हो, तो फिर आप क्या करते हो, टोटल कॉस्ट में से जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है आपकी, उसमें से आप नॉर्मल लॉस को माइनस कर देते हो. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने कहा, अगर मेरी टोटल कॉस्ट है, मान लो किसी चीज़ को बनाने के लिए मेरी टोटल कॉस्ट थी, मैंने अगर ख़रीदा मान लो 9500 रुपए में, 9500 में मैंने मान लो 100 यूनिट ख़रीदा, और इसमें से मैं कहता हूँ कि 5% इज नॉर्मल लॉस, ठीक है. तो अब मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी स्टूडेंट्स, वो कैसे आएगी? वो आएगी मेरी 9500 अपॉन 100 माइनस 5, क्योंकि 5 यूनिट्स वो क्या है मेरा नॉर्मल लॉस. तो ये आ जाएगा मेरा शायद 10 रुपये ना, नहीं 100 रुपये. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैंने कहा मान लो अगर मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक था 15 यूनिट्स का, तो फिर कैसे आ जाएगा 15 × 100, 1500. समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? पक्का क्लियर है? ठीक है, अवॉइडेबल या एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? ऐसे लॉस जिनको हम अवॉइड कर सकते थे, राइट. इस केस में अगर मैं बात करूं तो फिर आप इसको कंप्यूट करते हो. इसको कंप्यूट करने के लिए आप अगेन क्या लेते हो? कॉस्ट. इसमें आप क्या ऐड करते हो? कंसाइनर का एक्सपेंस. और क्या ऐड करते हो? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी इनकर्ड अप टू क्या?
non-recurring expense of consignee incurred up to abnormal loss. ठीक है, क्या क्या आएगा? कॉस्ट प्लस क्या आएगा? कंसाइनर का खर्चा प्लस क्या आएगा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी इनकर्ड अप टू एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, तो नॉन रिकरिंग खर्चा किसका? कंसाइनी का. मगर कौन सा वाला? एबनॉर्मल लॉस होने के जो पहले तक हुआ है. जैसे मान लो कि कोई, जैसे मान लो कंसाइनी ने कैरियज का पेमेंट किया, मगर कैरियज की पेमेंट करने से पहले ही एबनॉर्मल लॉस रास्ते में ही हो गया था, तो अब वो गुड्स पहुंचा ही नहीं, तो अपने क्या उसको एबनॉर्मल लॉस में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? उसको ऐड नहीं करेंगे, राइट? आप कैसे एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे? जो कि कंसाइनी के पहुँचने के, मतलब जो कंसाइनिंग का कौन सा खर्चा ऐड करोगे? ऐसा खर्चे को ऐड करोगे जो कि एबनॉर्मल लॉस होने के पहले इनकर हो गया हो. अगर एबनॉर्मल लॉस इनकर होने के बाद हुआ हो तो फिर हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे. हाँ, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो ये होता है हमारा क्या? अवॉइडेबल, राइट? इसकी एंट्री होती है, एबनॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है. जबकि इसकी जन एंट्री इज पास्ट. मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसकी क्या जन एंट्री हम लोग पास करते हैं, ये बताइए. एबनॉर्मल लॉस की, इस केस में अपने को इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता है कई के बार, तो क्या एंट्री होती है? सॉरी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. PL नहीं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे. आप कंसाइनमेंट को क्रेडिट इस पूरे अमाउंट से करोगे. मान लो अगर यहाँ पर 1,000 रुपये आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको 900 रुपये दे रही है, तो एबनॉर्मल लॉस में केवल 100 रुपये आएगा, इधर में 900 रुपये आएगा और इधर में 1,000 रुपये पूरा आएगा. ये क्लियर है तो फिर बोलो. एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं ना, ये हम लोग इसके इफेक्ट को कंसाइनमेंट से हटा रहे हैं बेटा. ये जो एबनॉर्मल लॉस है, इसके इफेक्ट को हमें कंसाइनमेंट से हटाना है और इसको एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करके फिर अल्टीमेटली इसको फिर PL में फिर लेके चले जाएंगे. जैसे इसके बाद एक और एंट्री होगी मेरी, PL अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. एबनॉर्मल लॉस की ये जो एंट्री होती है ना कंसाइनमेंट में, ये आप देखोगे तो फिर बुक में 3-4 जगह पर 3-4 अलग अलग एंट्री पास किया हुआ है. आपको जो मैं एंट्री करा रहा हूँ केवल ये एंट्री पास करनी है, कोई और एंट्री आपको सीखनी नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एबनॉर्मल लॉस. अच्छा, अभी आते हैं एक बार कमीशन पर भी. अभी मेरे को कंसाइनी के बुक्स पे कराना है, राइट? हाँ, पहले कमीशन पहले पार्ट कर लीजिए. कमीशन हमारे 3 टाइप के होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको भी हम लोगों ने समझा. एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन. ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? ये कंसाइनर कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे करता है. किसको? कंसाइनी को. किस लिए? टू बियर फॉर बैड डेब्ट.
मैंने बताया बैड डेब्ट किसका हो गया, कंसाइनर का। मगर जब डेल क्रेडिट कमीशन अगर कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है, देन हु शैल बियर फॉर द बैड डेब्ट्स? कंसाइनर विल नॉट बियर, कंसाइनी विल बियर, राइट? तो डेल क्रेडिट कमीशन, राइट? तो कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है, एक्स्ट्रा कमीशन देता है। इस केस में हु विल बी बियरिंग फॉर दी बैड डेब्ट? कंसाइनी विल बी बियरिंग फॉर दी बैड डेब्ट। इस केस में अगर जब डेल क्रेडिट कमीशन जब दे रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, इन केस ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन, बहुत ध्यान सुनना, इन केस ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर बैड डेब्ट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन केस ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन नो एंट्री विल बी पास फॉर बैड डेब्ट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री पास नहीं, कमीशन की एंट्री पास करेगा, बैड डेब्ट्स की एंट्री पास नहीं करेगा बेटा। कमीशन की तो एंट्री पास करेंगे ही करेंगे, बैड डेब्ट्स की एंट्री पास नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर एक और कमीशन होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ये भी आपको कंप्यूट करने को आ जाता है कभी कभी, ओवर राइडिंग कमीशन। ये एक एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो कि कंसाइनर कंसाइनी को, कंसाइनर कंसाइनी को देता है फॉर सेलिंग गुड्स अबव द इनवॉइस प्राइस। लिस्टेड प्राइस से भी ऊपर में अगर कंसाइनर कहता है कंसाइनी को कि तुम उसको बेच दिए सामान को, तो जितना लिस्टेड प्राइस है तुम ऊपर बेचोगे उसका कुछ टका अपने लोग आपस में शेयर अलग से कर लेंगे। तो ये ओवर राइडिंग कमीशन आपको सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर निकालना पड़ेगा। ये कई कई बार कुछ कठिन से कठिन भी आ जाता है, ये आपको इसके अलग अलग केसेस अपने देखने पड़ेंगे, राइट? ओवर राइडिंग कमीशन। अब मैं बात करूं यहां तो अपने को कंसाइनी के बुक्स भी सीख लेनी चाहिए, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के बुक्स में एंट्री क्या क्या होगी। देखो ध्यान से, कंसाइनर की बुक्स से अगर हम अगर पिकअप करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमको समझ में आएगा कि कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या काम हो रहा है। अब देखो, इसके लिए कोई कंसाइनमेंट या ये सब चीज़ नहीं, कोई खर्चा वर्चा इसके लिए कुछ है नहीं, ठीक है? तो मैं इसकी बुक से ही सिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ध्यान से, व्हेन गुड्स आर कंसाइन और डिस्पैच्ड क्या होगा, इसके लिए कोई एंट्री होगी या नहीं होगी? नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि इसने तो बुक्स को बस खाली गुड्स को रिसीव किया है, खरीदा उर्दा है नहीं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर से भी कंसाइनी का कोई मतलब नहीं है। फिर एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, यस है, क्योंकि कंसाइनी को, कंसाइनर को एडवांस कंसाइनी नहीं दिया तो इसके लिए एंट्री पास होगी। अब ये एंट्री क्या बनाएगा, ये एंट्री बनाएगा, ये पैसा दे रहा है कंसाइनर को, तो फिर कंसाइनर अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, कंसाइनर डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फिर ये भी एंट्री अकाउंट सेल्स पे करे या बेसिकली ये सेम डेट पर भी कर सकता है, जिस दिन वो सेल्स कर रहा है उस दिन भी वो एंट्री कर सकता है। तो ऑन द डेट ऑफ सेल भी आप एंट्री पास करते हो अगर कुछ दिया हुआ है, तो फिर इन पर कौन से डेट पर एंट्री पास करोगे आप इसके भी, अकाउंट सेल्स के दिन पर। तो अकाउंट सेल्स के दिन पर क्या क्या एंट्री पास होगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर सेल्स प्रोसीड, सेल्स प्रोसीड्स के लिए। अब देखो, ये सेल्स कंसाइनर की है कि कंसाइनी की है, कंसाइनर की है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे आमतौर पर सेल्स की हमारी एंट्री होती है डेप्टर टू सेल्स, मगर अपने लोग सेल्स नहीं लिखेंगे, डेटर टू कंसाइनर अकाउंट। क्या लिखेंगे? डेटर टू कंसाइनर अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगला क्या होगा, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कैश सेल्स करेंगे फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर हो जाएगा, राइट? फिर कहाँ थे हम लोग, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, खर्चा अब इनकर किसने किया, कंसाइनी ने, मतलब कंसाइनी एंट्री आमतौर पर पास करता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
मगर ये एक्सपेंस कंसाइनी का है ही नहीं, कंसाइनर का है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? यस, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर बैड डेब्ट्स के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स टू डेटर, मगर अभी ये बैड डेब्ट्स भी हमारा नहीं है, किसका है? कंसाइनर। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अच्छा, यही अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होगा, हाँ सॉरी कंसाइन बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर होगा ना, ठीक है, क्या थे हम लोग? यही अगर, यही अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होगा, तो फिर इसको कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। तो फिर अब वो फिर लिखेगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? फिर कंसाइनी अगर कुछ कुछ अकाउंट कर लेता है तो फिर क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अगर पर्सनल यूज के लिए करता है तो फिर, अगर ऑफिस यूज के लिए तो परचेस अकाउंट डेबिट, टू कंसाइनर अकाउंट, टू कंसाइनर अकाउंट। तो अगर पर्सनल यूज के लिए करता है तो फिर ड्रॉइंग्स, और अगर बिजनेस यूज के लिए करता है तो फिर परचेस। क्या होगा? परचेस। फिर आगे सुनिएगा क्या, फॉर अनसोल्ड स्टॉक, इससे तो कोई मतलब नहीं है। कमीशन, इससे मतलब है, इसी के लिए काम कर रहा है, इसी से मतलब है एक्चुअली। तो क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। फिर और क्या क्या चीज सिखाया था? हाँ, अगर वो बैलेंस का पेमेंट करेगा तो कंसाइनर डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर जो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस, उससे भी कोई मतलब नहीं है, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड गुड्स एंड कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब नॉर्मल लॉस का इसका कोई काम करना नहीं है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। सो आई होप इतना क्लियर है सभी लोगों को। इसमें कोई डाउट तो फिर बताइए। इसके अलावा ना इसमें एक टॉपिक बस खाली और है, वो भी समझना है, छोटा सा ही है। गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, समटाइम्स कभी कभी क्या करता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पर रिकॉर्ड करके नहीं देता है, ठीक है, वो उसको रिकॉर्ड करता है इनवॉइस पर। किस पर रिकॉर्ड करता है? इनवॉइस पर, ठीक है। तो अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब वो अपने पास में भी जो रिकॉर्डिंग जो कि वो करेगा, किस प्राइस पर रिकॉर्डिंग करेगा? इनवॉइस प्राइस पर, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो सामान है 1000 रुपये का और उसकी इनवॉइस प्राइस है 1200 रुपये, तो वो 1000 रुपये पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, 1200 रुपये पर रिकॉर्ड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में हमारी एंट्रीज कहाँ कहाँ पर चेंज होगी, ध्यान समझिएगा। जैसे पहली एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री कॉस्ट पर होती है, मगर फिर ये एंट्री अब कॉस्ट पर नहीं होगी, ये एंट्री होगी इनवॉइस प्राइस पर। किस प्राइस पर होगी? इनवॉइस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, ये एंट्री होगी हमारी इनवॉइस प्राइस पर, राइट। फिर बाकी के एंट्रीज में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फर्क हमारा कहाँ पर पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करिए, तो मैं बता रहा हूँ। यस, फिर अभी जो हम लोगों ने जो कि ज्यादा दाम पर जो कि रिकॉर्ड जो कि किया है ना, उसको तुरंत ही घुमा देंगे। बेसिकली जो प्रॉफिट जो ऐड किया गया उसको हम लोग कहते हैं लोडिंग। क्या कहते हैं उसको? तो उसको तुरंत ही अगली एंट्री में घुमा देंगे। तो एंट्री क्या यहाँ पर पास कर देंगे? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। फिर दूसरी एंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लोडिंग के इफेक्ट को हटाने के लिए। जैसे मान लो अगर आप, मेरे एग्जांपल, मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट रखा,
तो 200 रुपये से प्री एंट्री पर रिवर्स हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर अब ध्यान से देखिएगा अगला ध्यान से समझिएगा, ये जो हम लोग इन्वेंट्री की एंट्री जो कि पास करते हैं, अब इन्वेंट्री भी इस वाले केस में हम लोग किस वैल्यू पर मेजर करेंगे, इन्वेंट्री किस वैल्यू पर निकालेंगे, इनवॉइस किस वैल्यू पर निकालोगे, मतलब जहाँ पर मैंने कॉस्ट कराते ना वहाँ पर इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, मगर इन्वेंट्री तो ऑलवेज इट मस्ट बी वैल्यूड एट वॉट कॉस्ट। तो अब आप क्या करोगे, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 15 यूनिट की इन्वेंट्री आ रही थी, तो वो 15 यूनिट का आप निकालोगे कितना लोडिंग है, कितना प्रॉफिट है। जैसे मान लो पर यूनिट में अगर प्रॉफिट ऐड करता हूँ उस पर, जैसे मेरे एग्जाम्पल में था 1200 रुपया, तो मान लेते हैं 100 यूनिट का, तो मान लेते हैं एक बार मान लेते हैं दो रुपये, तो 15 × 2 आप रिवर्स कर दोगे, 15 × 2 30 रुपये आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रखनी, तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट। हाँ समझो, जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी हमारी जो, क्योंकि हमने गुड्स जो कि सेंड किया है वो किस वैल्यू पर सेंड किया है बेटा, इनवॉइस, किस वैल्यू पर सेंड किया है, इनवॉइस। तो जो इन्वेंट्री की भी जो वैल्यू हमको कंसाइनी बताएगा वो किस वैल्यू पर बताएगा, इनवॉइस। तो अब हम उसको तो फिर किस वैल्यू पर नोट करेंगे, मगर कॉस्ट, तो मगर आपने पहले तो उसको इनवॉइस पर रेस कर दिया, नोट कर दिया, तो आपने उसको वही इनवॉइस के हिसाब से उसको नोटिंग कर दिया, मगर अब आप क्या करोगे उस वैल्यू को, क्योंकि आपने अपना वहाँ पर लोडिंग का वैल्यू ऐड किया हुआ है आपके कॉस्ट में, तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसको रिवर्स करने के लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आप देखो कंसाइनमेंट टू वे या जिसको भी आप बेचते हो उसका नाम लिखते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने कहा, मैं अगर 100 यूनिट भेज रहा हूँ जिसकी कॉस्टिंग तो 1000 रुपये, उसको 1200 रुपये में, मतलब एक यूनिट पर मैं 2 रुपये का लोडिंग चार्जेस ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था मेरे एग्जाम्पल में, मान लो मेरे पास में 15 यूनिट बचे हुए हैं, तो 15 × 2 30 रुपये का हम लोडिंग चार्जेस यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो देन आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसमें से कुछ कुछ बातें आप लोग को याद होनी चाहिए, जैसे आपको नॉर्मली दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनिंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर। सो विद दिस कंसाइनमेंट अकाउंट रिविजन इज कंप्लीटेड।